छत्तीस कोम, छत्तीस कोम, आज इस विशाल नामांकन रैली में हमारे वरिष्ठ छत्तीस कोम के आदरणीय नेता जीवाराम जी चौधरी हमारे युवा नेता श्री दानाराम जी चौधरी तमाम मेरे मनसाचीन मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मेरे युवा साथियों साथियों चुनाव सांचोर का इतिहास रचने वाला है चुनाव सांचौर की आने वाली बीस साल यह भविष्य तय करेगा यह भविष्य आप लोगों के हाथ में है एक सा, सामने 10 साल से सत्ता में है एक सा, सामने पंद्रह साल से सत्ता में है आपने उन दोनों का काम देखा है और आदरणीय जीवाराम जी का दस साल का कार्यकाल देखा है तीन से आठ तीन से आठ लगाकर तीन से तेरह तक हमने जो सांच में एक अहम और सुरक्षा और विकास का अहम स्थापित किए वो कल कार्यकल भी आपने देखा है और पिछले पांच साल से सांचोर के अंदर कांग्रेस की सत्ता रही हम सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे कार्यकर्ता हमने सभी किसानों के साथ और सभी व्यापारियों के साथ हमने दुख और सुख में सम्मिलित हुए साथ का पार्टी का सिंबल किसी और के पास है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी व्यवस्था आपके साथ है आज आप सिंबल के पीछे मत जाना सिंबल वाले हमारे साथ सुख शांति और समृद्धि में कभी साथ नहीं दिया पांच साल जनता के सुख और दुख में ये दोनों जोड़ियों ने हमारा साथ दिया है हम भी पार्टी के गांव गांव गली गली हमने काम किया लेकिन हमने कहा हमारी सत्ता नहीं है हम लड़ते रहे एक साल रहा फिर कहा हमने चार महीने रहे एन मौके मैंने पार्टी ने हमारा साथ क्या किया है और अब का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है अब की बार कोई कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ रहा है चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ रही है अब की बार आप छत्तीसगो की जनता चुनाव लड़ रही है आप अपने घर पे छोटा मोटा कार्यक्रम करते हैं या गंगा प्रसादी करते हैं तो गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं एक भाई लोगों को बुला के अपने गांव में करते हैं हमारे हम गंगा प्रसादी कर, कर रहे हैं आप लोग उन लोगों की सेवा करना तब अपना वो पार पड़ता है लेकिन आदरणीय मैं एमपी साहब को पूछना चाहता हूं और आप लोगों को भी पूछना चाहता हूं एमपी साहब टिकट के आपने पूछ के लाए किसी व्यक्ति को पूछा था कि टिकट लेके आएंगे टिकट अपनी मर्जी से लाई है भी अपनी मर्जी से ले लो हमारी जनता का काम अरे कईगार जनता की बात करेगा वो सांचोर हित में में राज करेगा ये बात किसी की जात और किसी जात और किसी व्यक्ति पार्टी और किसी व्यक्ति से बंधी हुई नहीं है की जनता का काम करेगा सांचोर की जनता में विश्वास होगा वो सांचोर का एमएलए बनेगा और सांचोर की विधानसभा में जाएगा साथ यहां कई बार पार्टी ने एमएलए आपने सिंबल से भेजा है लेकिन सांचोर में एक बार सतीश कौम का एमएलए गया है और पास विधानसभा में भी गया है ऐसी परिस्थिति अब की बार आपको करनी है एक एक कार्यकर्ता को जीवानाम बढ़ने पड़ेगा एक एक कार्यकर्ता को धनाराम बढ़ने पड़ेगा अपने बड़ी सभाएं नहीं करनी है एक अपना बूथ मुझे मेरा विश्वास है कि मेरा बूथ में विजय करूंगा भाई जीवराम जी उस बूथ में से हंड्रेड परसेंट हमारे वोट निकलेंगे अपना अपना भी संकल्प संकल्प लेकर का जाए कार्यकर्ता गांव गांव बूथ 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 एक ही के मेरा मेरा उस वोट लग रहा है मजबूत होगा तब भी अपन चुनाव जीत पाएंगे वरना ये अपन बड़ी बड़ी बातें करेंगे कुछ नहीं होगा फिर अपने वो ही रोना रो, रोना पड़ेगा और आज सब लोग समझदार है जीत कौन रहा अपनी लड़ाई कांग्रेस से है कहीं कांग्रेस नहीं निकल जाए अपने वो सिंबल वाले धन्यवाद देते हैं छोड़ो सिंबल अपना खुद का है अपन खुद पार्टी है लेकिन आपकी भूल नहीं हो जाए पार्टी पार्टी करके का आपका एक वोट खराब करोगे तो वो अपना नुकसान होगा सांचोर के आने वाले 20 साल तक नुकसान होगा लेकिन आपको तय करके जाना है आज इस मंच से तय करना है आप लोगों को छत्तीस कोम की जनता को आप लोगों के साथ में चर्चा करके भाई जीवाराम जी और दानाराम जी साथ में सब ने कैंडिनेट बनाया है इसलिए आप सब तय करके जाए कि हम 25 तारीख तक नींद नहीं लेंगे घर घर ढाणी ढाणी जीवाराम बन के जाएंगे किसी की व्यक्तिगत नाराजगी हो तो यहाँ पर क्षमा याचना मांग रहे हैं हम सभी कार्यकर्ता आप लोगों को हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं कि आप जीवाराम जी की झोड़ी भर देना यह लास्ट चुनाव है और सतीश कोम का साथ देंगे लोग कई कह रहे हैं जीवाराम की मोर नहीं है जीवाराम का मोर नहीं है जनता मोर नहीं छोड़ रही है कि जीवाराम जी सेवा की है करेंगे लोगों की अपेक्षा है साथियों जीवाराम जी को एमएलए बनने की अपेक्षा नहीं है लेकिन अपनी अपेक्षा है हमारे सुरक्षा कौन देगा सांचोर में व्यापारी को सुरक्षा कौन देगा हमारे में बैठा किसान को पानी कौन देगा घर तक बिजली कौन देगा बहन बेटी सुरक्षित कौन पहुंचाएगा इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जीवन जी का हाथ मजबूत करना आप पांच साल तक मजबूत रहोगे पार्टियां आपको नमस्कार करके नस्तमत हो गए आपको स्वीकार करेगी जय हिंद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद